हेलो एंड वेलकम गाइस टू ऑसम क्रिएटिविटी। तो आज बात करने जा रहे हैं अपन ऑल्टो K10 की लाइट के बारे में। तो आज का वीडियो पूरा लाइट के बारे में होगा। तो मैं आपको बताता हूँ लाइट के बारे में, इसकी लाइट कैसी है, कितना उजाला करती है। तो सबसे पहले इसके लैंप के बारे में बताता हूँ। इसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता है अपने को, प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिलता है इसमें, सादा बल्ब मिलते हैं अपने को जो कि मिलते हैं, और उजाला काफ़ी अच्छा है। एक बल्ब इधर है, एक छोटा बल्ब है ये, और एक ये इंडिकेटर का, और ये है अपने फोग लैंप। ये अपने को VXI मॉडल तक नहीं मिलते हैं, ये ओनली अपने को VXI ऑप्शनल पे फोग लैंप मिलते हैं अपने को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि VXI और VXI ऑप्शनल में क्या क्या डिफरेंस है तो भी बता दूंगा। एक बार आपको लाइट्स ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अपनी लाइट्स ऑन होती है, इसकी अंदर की लाइट ऑन कर लेते हैं अपन। यहाँ से इसकी लाइट ऑन होती है एक, और ये दो। अब आप बोलेंगे कि फोग लैंप का स्विच कहाँ है, तो आपको इसका फोग लैंप का स्विच बता देता हूँ, जहाँ से आप फोग लैंप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्विच देख पा रहे हैं, ये फोग लैंप का है, और ये लाइट को मतलब एडजस्ट करने का है कि आपको ज़्यादा ऊपर रखनी है लाइट या नीचे रखनी है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपको लाइट के बारे में बताता हूँ। तो इसको एक बार घुमाते हैं अपन। तो इसकी जो छोटी वाली लाइट है वो जल जाती है, वो भी अच्छी उजाला करती है, और इसके साथ फोग लैंप जल जाते हैं। अगर आपको सिर्फ ये ही जलानी है और फोग लैंप नहीं जलाने हैं, तो यहाँ से स्विच दबा के, ये स्विच दबाया वो फोग लैंप बंद हो जाएंगे, सिर्फ ये ही जलेगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसके बाद में अपन फुल लाइट पे आते हैं। फुल लाइट कर ली है अभी मैंने, फ्लैश ऑन कर रखा, और यहाँ पे ये लाइट ऑन है। तो ये है इसकी फुल लाइट, और अभी फोग लैंप ऑफ कर रखे हैं। उसके बाद में फुल लाइट के साथ में फोग लैंप ऑन कर लेते हैं अपन। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट उजाला हो चुका है यहाँ पर, आपको फ्लैश ऑफ करके बताऊँगा। और क्या बोलते हैं, ये लाइट ऑफ करके बताऊँगा। तो अब इसकी ये लो बीम पे है, और हाई बीम देते हैं अपन। ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम। ओ ये देखिए, ये हाई बीम देने के लिए इसको आगे खिसकाना पड़ता है, और लो बीम के लिए वापस पीछे कर लीजिए। वो किसी को पास करना है जैसे कि सामने वाली गाड़ी को बताने के लिए ऐसे, तो इसको पीछे खींचना है, तो ये वापस आगे अपने आप आ जाता है, बस इसको एक बार पीछे खींचना है आपको। तो ये देखिए ऐसे करता है। तो ये हो गया अपनी लाइट के बारे में। अब बताता हूँ कितनी ब्राइट है, दोनों लाइट्स ऑफ करके बताता हूँ, मतलब एक ही है और एक फ्लैश ऑफ करके बताता हूँ। सबसे पहले इसको ऑफ कर देते हैं अपन। तो ये थोड़ा अंधेरा हो चुका है, फ्लैश भी ऑफ कर लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। फ्लैश ऑफ कर दिया है। अब ये लो लाइट है जो कि वो छोटी वाली है, और फोग लैंप जल रहा है, फोग लैंप ऑफ कर दिया। अब ये लो लाइट है बस। तो फोग लैंप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट उजाला करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। फोगी वेदर और सब वेदर में बहुत, मतलब नीचे तक आपको दिखने में बहुत सुविधा मिलेगी। तो ये लो लाइट, फोग लैंप ऑफ करके बताता हूँ पहले, फिर ये लो बीम पे चला दी। अब हाई बीम देते हैं। ये हाई बीम है, ये लो बीम है, और ये फोग लैंप के साथ है लाइट, और ये फोग लैंप के साथ हाई बीम, ये फोग लैंप के साथ लो बीम है। तो ये जान लिया आपने इनके बारे में। तो अब लाइट एडजस्ट करके बताता हूँ कि कैसे होती है लाइट एडजस्ट। उसके लिए पहले अपन अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको लाइट एडजस्ट का स्विच किधर रहता है। इसका लाइट एडजस्ट का स्विच, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइट एडजस्ट का स्विच है। इसको ऊपर करेंगे तो लाइट नीचे की ओर हो जाएगी, और इसको वापिस इधर जीरो पर ले आएंगे तो लाइट ऐसे ऊपर आ जाएगी। तो दिखाऊं आपको कैसे काम करता है ये। ये अभी लाइट जीरो पे है, मतलब ऊपर है, वेट अ सेकंड।
अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, मतलब ये नीचे जा रही है, फोर पे लिया है, नीचे जा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब वापस से ऊपर लाते हैं, दिख रहा है आपको ऊपर आती हुई, बस इसको यूं करा, वो अंदर इंजन के यहाँ पे आपको आवाज भी सुनाई देगी, जिस जो इसकी मोटर चलती है जो इसको ऊपर और नीचे लेके जाती है। ये हाईवे पे मेन काम में आती है, जब अपने को आगे तक देखना होता है, और ये हाई बीम या लो बीम तो उस पे काम में आती है, सिटीज में ज्यादा काम नहीं है इसका, कैसे भी चल सकता है। और ये अपनी लाइट तो चल ही रही है, और ये है स्टेयरिंग व्हील पकड़ने का, स्टेयरिंग व्हील नॉब, तो बस इतना ही कुछ है। ये लाइट का है, इस साइड होता है इसमें, ऑल्टो में मतलब अधिकतर गाड़ियों में इस साइड ही होता है ये। इस पे देख सकते हैं कौन कौन से साइन बने हुए हैं, देखिए इसमें। ये तो है लो लाइट का, जो छोटी छोटी दो लाइटें जलती है उसका, और ये है जो अपने बड़े हेडलैम्प जलते हैं उसका, तो और हाई बीम देने के लिए अपने को इसको आगे खिसकाना पड़ता है, लो बीम के लिए वापस पीछे खिसका लो, और अगर किसी को पास देना है तो ये पास, ये अपने आप वापस आता है। और ये है फोग लैंप का बटन, और ये है अपने जो अभी आपको बताया लाइट को एडजस्ट करने का। तो बस आज के लिए इतना ही, और रोड पे लेके चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसी है इसकी लाइट, तो वो भी देख लीजिए आप। तो देखिए, 1 2 3 बूम। तो चलिए दिखाता हूँ, तो ये है अपनी लो बीम ऑन कर ली है अभी मैंने, और लो बीम पर चलाते हैं। लाइट को ऊपर कर लिया है मैंने, ये लो बीम पर इतना दूर है और ये हाई बीम पर इतना, और अपने को हाईवे और ऐसी जगहों पर लो बीम पर चलानी चाहिए जहां पे पहले से ही लाइट होती है, हाईवे सॉरी हाईवे पर हाई बीम पर चलानी चाहिए, और बाकी सारी जगहों पर लो बीम पर, जिससे कि अपनी कार की बैटरी भी कम यूज होती है और सामने चलने वाले जो पर्सन्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस वजह से लो बीम पर ही चलाइए गाड़ी। हाईवे पर बस हाई बीम यूज करनी है आपको। अगर आप नहीं जानते हैं कि मतलब रात में हाईवे पे कैसे ड्राइव करता है, तो वो भी उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मैं, तो अगर वो भी चाहते हैं आप तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं बता दूंगा आपको वो कैसे हाईवे पे लाइट को कंट्रोल करता है, मतलब जैसे कि कोई सामने आता है तो लाइट कम करनी पड़ती है, और जब वो निकलते से ही लाइट हाई करनी पड़ती है, तो ये लो बीम और हाई बीम का हाईवे पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो बता दूंगा मैं आपको कि कैसे करना पड़ता है। और ये अपन आ चुके हैं अपने घर के अंदर, बस यहाँ एक बार गेट पे और दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये अपना डोर, और इसमें दिखाता हूँ आपको, पता चलेगा कि वो स्विच जो यहाँ साइड में दिया रहता है वो क्या काम में आता है। तो मैं अभी ये लाइट को ऊपर कर रहा हूँ, दिख रही है आपको ऊपर आ रही है, ऊपर आई, ये सबसे ऊपर है, अब नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे जाती हुई दिख रही है, तो ये काम में आता है वो स्विच, ये हाईवे पे मतलब ज्यादा दूर तक रोशनी जाए उसके लिए काम में आता है, देखिए ऊपर और ये नीचे, इसकी 4-5 स्टेजेस रहती है तो वहां तक जाता है। ये अभी ऊपर कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल अंदर पार्क कर देते हैं और फिर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपकी जो भी डिमांड है ऑल्टो K10 के बारे में वो हमसे बता दीजिएगा। और एक और खास बात जो कि अधिकतर लोग बाग ध्यान नहीं रखते हैं अपनी गाड़ी के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइट कभी यूज करनी है। लाइट बहुत बैटरी कंज्यूम करती है, तो जब इंजन चालू हो तभी लाइट का यूज करें, एनीवेज ना करें बिल्कुल ही। और दूसरी बात ये है कि लाइट तब यूज करें मतलब जब एकदम से गाड़ी बंद होती है तो आपको फटाफट से लाइट ऑफ करनी है और उसके बाद में इंजन चालू करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपके जो बल्ब रहते हैं लाइट के वो फ्यूज हो सकते हैं और वो बहुत महंगे डलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि मेरी लाइट जल रही है अभी और मेरी गाड़ी अचानक से कहीं ब्रेकर वगैरह पे कहीं पे बंद हो गई है, तो अब जल्दीबाजी में अपन ये करते हैं कि गाड़ी का इंजन चालू कर देते हैं, फटाफट से वो लाइट ऑन रहती है और उसमें एकदम से लाइट को झटका सा लगता है और उससे लाइट खराब हो जाती है। तो उसमें आपको करना ये है कि लाइट जल रही है और फटाफट से लाइट बंद करनी है, इंजन चालू करना है और वापस लाइट ऑन कर लेनी है, बस इतना सा काम है और हो जाएगा आपका। तो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और विंडोज लगा देते हैं और चलते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।